डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रही हैं। ये बड़ी हिस्टोरिक इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है, इसके कारण ये बड़ी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शन है और जो इंथुजियाज्म पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आ रहा है, उसके कारण से एक काफ़ी इंथुजियास्टिक माहौल जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का है वो इस समय कश्मीर में और जम्मू में छाया हुआ है। ये इलेक्शन साथ साथ में बाई इलेक्शंस जो पंचायत की हैं वो भी हो रही हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन भी हमारे चीफ इलेक्टोरल अफसर करवा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करने के लिए सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, इलेक्शन मटेरियल, मैन पावर जो इंतज़ाम करने हैं, जहाँ जहाँ पर फेजेस की स्क्रूटनी होगी ये नॉमिनेशंस की, उसके बाद में उसके बैलेट पेपर प्रिंटिंग होने हैं, ये सारे काम अभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। आज श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी कश्मीर के साथ मैंने मीटिंग करी है एक असेसमेंट करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अरेंजमेंट किए गए हैं उनका एक ब्रीफिंग लेने के लिए और साथ में उनसे ये भी अर्ज करने के लिए कि जो इलेक्शन की हमारी रिक्वायरमेंट है जिसमें कैंडिडेट्स अपनी मैक्सिमम कैंपेनिंग कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता सकें अपने काम के बारे में, उनको अपने क्यों उनकी कैंडिडेट से बात में से ज़्यादा अच्छा है, तो ये सारी आज मीटिंग हुई है हमारी इनके साथ में। बाकी कुछ इलाके हमारे और दूर दराज के हैं, जैसे इसमें बांडीपुर में है या कुपवाड़ा में है, वहाँ पर कुछ एरियाज में हमें हेली सर्विसेज की जरूरत भी पड़ती है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और अभी तक जम्मू में पूरा प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारी अरेंजमेंट्स हैं वो इस समय काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। वी आर टाइंग अप द जो रेजिडुअल अरेंजमेंट हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, एक अच्छी इलेक्शन होगी। हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सबको एक अपील है कि सारे वोटर्स कश्मीर में जम्मू में इसमें वोट डालें, डेमोक्रेसी में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होके ही सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बन सकती हैं। अभी तक जो हमारी हल्का पंचायत हैं और जो पंच कंस्टिट्यूंसीज हैं इसमें जब 2018 में इलेक्शन हुई तब भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ की इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन के बेसिस के ऊपर में जो पंचायत फंक्शनल हुई हैं उसमें एक और लोकल लीडरशिप की नई पैदा हुई है जिसमें लोग डेवलपमेंट में खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हमारा यूथ है और जो यूथ मिडिल हैं एजेस के सब में एक और नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स आर लाइक गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा, और लोगों को एक अपनी एक इसको हम गवर्नमेंट ही कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में। ऑफकोर्स जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं ये लॉ नहीं बनाती हैं लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ सड़कें बनाना, स्कूल इनको ट्रांसफर किए जाएंगे रूरल एरियाज में, हेल्थ के फंक्शन रहेंगे और ICDS के फंक्शन रहेंगे, तो ये पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत डीपेंड है बाकी स्टेट्स में इंडिया में। जम्मू कश्मीर में अभी तक ये नहीं था और अभी ये पहली जब DDC बनेंगी 20 डिस्ट्रिक्ट में और हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर भी। टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेशन जो फाइल हुई हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वो बड़ी इंकरेजिंग है और इससे लग रहा है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपनी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी जो हल्का पंचायत सरपंच जिसको हम बोलते हैं उसके लिए भी नॉमिनेशन अच्छी आ रही हैं, पंच कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पर वैकेंसी थी उसके लिए भी नॉमिनेशन आ रही हैं। सो जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डीपन करना है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल है टू हैव अ ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज हमने ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी रिव्यू किए हैं, सारे जो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए पुलिस ने बड़े इंतजाम किए हैं। JNK की जो अपनी पुलिस है वो सारे इसमें डिप्लॉयड हैं इस ड्यूटी के ऊपर में, उसको छोड़ के भी जो हमारी होम डिपार्टमेंट है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बाहर से पुलिस फोर्सेस को मंगवाया है, पुलिस की कोई शॉर्टेज नहीं है और हमारी तरफ से पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जहां जहां भी उनको रिक्वेस्ट आती है
कहीं सिक्योर करने के लिए कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में और अदरवाइज, और पुलिस पूरी असेसमेंट करके इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन।